धारा 144 क्या है और ये कब लागू की जाती है? तो आइए जानते हैं कि आरपीसी की धारा 144 क्या है। आपने धारा 140 के बारे में ज़रूर सुना होगा और हो सकता है कि अखबार और टीवी में आपने इस धारा के बारे में पढ़ा या देखा होगा, और आपको इसका अंदाज़ा भी हो सकता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस धारा को लागू किया जाता है। लेकिन क्या आपको धारा 144 से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें पता हैं? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ये धारा 144 क्या है और इसे कब लागू किया जाता है। किसी भी शहर में जब किसी घटना के कारण हालात बिगड़ने लगते हैं और माहौल के शांतिपूर्ण रहने की बजाय तनाव की स्थिति बन जाती है, तो धारा 144 लगा दी जाती है ताकि हालात और नहीं बिगड़े और तनाव ना बढ़े। धारा 144 सीआरपी के तहत आने वाली एक धारा है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता एक संक्षिप्त नाम है। दंड प्रक्रिया संहिता कानून सन 1973 में परिपत हुआ था। इसे 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। धारा 144 क्या है और यह कब लागू की जाती है? सीआरपी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसे कि दंगा, लूटपाट, मारपीट को रोककर फिर से शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मिनिस्टर यानी कि जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में ये धारा लागू कर दी जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि धारा 144 लागू होने पर क्या क्या होता है। इस धारा को लागू होने पर उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उस क्षेत्र में या उस इलाके में हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दिया जाता है। बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यातायात को भी इस अवधि के लिए रोक दिया जाता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस धारा 140 को उल्लंघन करने वाले इंसान पर क्या सज़ा हो सकती है। धारा 140 लागू होने के बाद इसका पालन करना हर एक नागरिक का जिम्मेदारी होती है, और इसका पालन नहीं करने या उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी की जा सकती है, जो धारा 107 या धारा 151 के तहत होती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले आरोपी को अधिकतम 3 साल तक कैदी की सज़ा भी हो सकती है। और वैसे ये एक जमानती अपराध है जिसमें से जमानत हो सकती है। उम्मीद है कि जागरूक पर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।